आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ लाई हूँ, सोटे वेजिटेबल। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। ये फूल गोभी काट ली है मैंने, ये ब्रोकली काट ली है, ये भी गाजर भी काट ली है मैंने, ये लाल शिमला मिर्च मैंने काट ली है, ये पीली शिमला मिर्च भी काट ली है, ये जुकनी भी मैंने काट कर रख लिया है, ये मैंने थोड़े से कोन लिए थे, ये मैंने पहले ही उबाल लिए हैं, ये नमक, ये ऑलिव ऑयल, ये मक्खन ले लिया है मैंने थोड़ा, एक ये ओरेगैनो पड़ेगा, एक ये 5 रुपए का मैगी का मसाला आता है, ये मैगी मसाला भी इसमें एक पाउच ऐड करेंगे हम। मैं किसी ब्रांड के बारे में नहीं कह रही, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे घर में ये अवेलेबल था तो इसलिए मैंने ये डाल रही हूँ। मैं ये सारी सब्जियाँ हैं, यदि इन सब्जियों के अलावा आपके पास कोई और सब्जी हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है कोई सब्जी, एक या दो सब्जी नहीं है तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने कच्ची सब्जियाँ ही ली हैं सारी, और मैंने कॉर्न को उबाल लिया। अगर आप इन्हें कुकर में उबालना चाहते हैं तो 1 सीटी में हो जाएंगे, और यदि आप माइक्रोवेव में करेंगे तो 2 मिनट के। आप इनके अलावा बेबी कॉर्न यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन रख दिया है, अब हम गैस ऑन करते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच मक्खन डाला है, तो 1 चम्मच ही मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप ऑलिव ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मेरा मक्खन और तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं जो सब्जियाँ ज़्यादा टाइम लेती हैं गलने के में, वो सब्जियाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये फूल गोभी है, ये डाल रही हूँ, और ये ब्रोकली भी डाल रही हूँ इसके अंदर मैं, ये गाजर भी मैंने डाल दी है, ये तीनों सब्जियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं 1/2 पाउच मैगी मसाले का डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच ही मैं नमक का डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि इन मसालों का सब्जी के अंदर टेस्ट आ जाए। ये बहुत हेल्दी होती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इनके अंदर सारी सब्जियां ही हैं, और ये वेट लूज करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच ओरेगैनो डाल रही हूँ, जिससे कि इसका स्वाद भी इन सब्जियों के अंदर आए। आप इनको अच्छे से मिला लें, अच्छी तरह से मिला लीजिए, और फिर 5 मिनट के लिए इसको मंदी गैस पे ढक कर गैस मंदी रखें। अब इसे 5 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं कि हमारी सब्जियां पक गई हैं या नहीं। अभी लगता है हमें कि अभी थोड़ी ये कच्ची है, अभी 3-4 मिनट के लिए अभी हम इसको और ढककर रख देते हैं। गैस धीमी ही रखें। अब करीबन 10 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए, अब मैं देखती हूँ कि ये कितनी पकी है। मैं देख रही हूँ कि अभी इनमें थोड़ी सी गुंजाइश है पकने में, थोड़ी अभी कच्ची है ये। मैं इनको निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ और सब्जियाँ भी डाल के पकानी है, और भी इनके साथ पक जाएंगी। ये पीली शिमला मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और ये लाल शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, ये मैं जुकीनी भी डाल रही हूँ इसके अंदर, और इनको सबको मिलाकर सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये मैंने उबले हुए कॉर्न भी ले लिए हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। यदि आप मिर्च का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये जो मैगी मसाला है, आधा जो हमने पहले डाल दिया था, आधा बचा हुआ है, वो भी मैं
इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया है। और ये जो अब मैं इसके अंदर एक चम्मच ओरेगानो और डाल रही हूँ, क्योंकि एक चम्मच मैंने पहले डाल दिया था, एक चम्मच मैंने अब डाल दिया था, डाल दिया। और अब मैं इनको सबको मिक्स कर दूँगी, क्योंकि जो बाकी सब्जियाँ अब मैंने डाली हैं उनके अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए। अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इनको ढक देती हूँ जब तक ये पक ना जाए, क्योंकि जो बाकी सब्जियाँ मैंने इसके अंदर डाली हैं वो कम समय लेती हैं पकने में, और मैं गैस मंदी ही रखूँगी। अब करीबन 10 मिनट और हो गए हैं। अब मैं इनको देखती हूँ कि मेरी पूरी तरह से सब्जियाँ पकी हैं या नहीं। अब मेरी सब्जियाँ पूरी तरह से पक चुकी हैं, और पूरे ही मसालों का, जितने मसाले मैंने इसके अंदर किए हैं उनका सबका फ्लेवर इसके अंदर सब्जी में आ गया है। ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। अब हम आपको बाउल में डालकर, प्लेट में डालकर दिखाते हैं। अब हमारी ये सोटे वेजिटेबल खाने के लिए तैयार है। आप इसको गरम गरम खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। आगे मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगी। धन्यवाद।